अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज मैं आपको अपने ऑस्ट्रेलियन कॉकटेल्स की कॉलोनी दिखाती हूँ। मेरे बच्चों ने घर में छोटी सी बर्ड्स की कॉलोनी बनाई हुई है, तो मैंने सोचा है कि आज आप लोगों को उसका विज़िट करवाती हूँ। चले मेरे साथ आएँ, मैं आपको अपने बर्ड्स कॉलोनी में लेके चलती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपने कॉकटेल्स दिखाती हूँ। कॉकटेल्स आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, तो इनमें से कुछ कॉकटेल ऐसे हैं जिन्होंने अभी अंडों पे बैठे हुए हैं और कुछ ने बच्चे निकाले हुए हैं, और माशाल्लाह आबादी में इजाफा होता जा रहा है। और उनके साथ साथ मज़े से ये जो है हमारे कॉकटेल जो है वो उठते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप मेरे इन परिंदों से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होंगी। और साथ ही मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पैरट्स भी हैं। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा तादाद में हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। कॉकटेल्स के भी माशाल्लाह अच्छे खासे हैं ये जोड़े। मैंने दो जोड़ों से शुरू किया था कॉकटेल जो है, तो माशाल्लाह अभी आगे बढ़ते गए हैं, अभी की नस्ल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये तो है मेरी कॉकटेल फैमिली जो न्यूली अम्मी अबू बने हैं। माशाल्लाह आप देखिए मस्तियाँ कर रही हैं, इन्होंने अंडे दिए हुए हैं और बच्चे भी कुछ निकाले हुए हैं, कुछ अंडे हैं कुछ बच्चे हैं। तो अब ये गर्मी शदीद है, बाहर आए हुए हैं, ज़रा पानी वगैरह के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जी, तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी कॉलोनी में, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की कॉलोनी में। तो माशाल्लाह ये मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। मैंने दो या तीन जोड़े लिए थे, उसके बाद आप देखें कि अब मेरे पास जो हैं कम अज़ कम भी होंगे तो 50 से अबव होंगे ये जोड़े। अब ये आप देख रहे हैं ये जो है न्यूली हुए हैं, न्यू बॉर्न हुए हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं। अभी देखें आपको येलो वाला जो है, येलो बर्ड जो है उसके आपको मुकम्मल पर भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये जो थोड़ा सा बड़े वाला है ये थोड़ा मस्ती के मूड में है, इंजॉय कर रहा है अपने घोंसलों से या अंडों से या डोलियों से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि ये डोली में रहते हैं तो ये बाहर निकल कर आया हुआ है। तो वो इस वजह से कि इनकी डोलियाँ जो हैं ये 20-22 दिन रहते हैं तो बड़ी गंदी कर देते हैं, तो उनको वॉश करना ज़रूरी होता है। जैसे ही वॉश कर लेंगे हम इनको, तो फिर हम दोबारा इनको डोलियों में बिठा देंगे ताकि जो है इनके पेरेंट्स जो हैं, अम्मी अबू जो हैं, वो इनको प्रॉपर फूड दे सकें, क्योंकि प्रॉपर फूड वो ही दे सकते हैं, ये हैंड फूड की आदि नहीं है। तो ये वापस अभी आप देखिएगा कि मैं आपको इनकी जो उन्होंने डोलियाँ गंदी की हुई हैं जिसमें ये रह रहे हैं, ये अब हम इसको नीचे उतारेंगे और ये वॉश करेंगे। ये मेरा छोटा बेटा है जिसके लिए ख़ासतौर पर मैंने ये ऑस्ट्रेलियन कॉलोनी बनाई हुई है। ये बर्ड्स का बहुत शौकीन, वे किसी चीज़ से नहीं डरता, चाहे बिल्लियाँ दे दो, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स दे दो, मुर्गियाँ दे दो, जो भी है। मैं फिर आपको विजिट करवाऊँगी, मेरे पास बहुत ही आला नस्ल के कबूतर भी हैं। अब ये देख रही होंगी ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ कलर्स के आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट्स नज़र आएंगे। येलो हैं, ग्रीन हैं, ब्लू हैं, रेड आई हैं इनमें, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है इनकी वराइटीज है, हर कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप देखेंगे ऐसे लगेगा कि ये मसनू है, कुदरत ने इतने खूबसूरत कलर दिए हुए हैं इनको कि जो भी कलर आप देखेंगे ना वो आँखों को भला लग रहा होगा, और ऐसी लग रही होंगी कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है। और कुदरत का ये कमाल है कि इतनी खूबसूरत रंगों को उन्होंने मिक्सअप कर दिया है। मेरे पास बिल्कुल प्लेन येलो है, येलो आई थी, येलो रेड रेड आई वाली जो ऑस्ट्रेलियन है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, कुछ मल्टी शेड के हैं, इतने खूबसूरत कलर्स हैं कि देख के आँखें दंग रह जाती हैं। एक बिल्कुल वाइट है, वाइट उसका कलर, तो उसकी आईज जो है वो रेड है, तो
माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं कि अगर बंदा इस कॉलोनी में बैठा रहे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होता। तो ये आपको नज़र आ रही होंगी मेरी बर्ड्स, इसमें देखें कुछ ग्रीन के साथ मल्टी शेड वाले भी हैं, वाइट के साथ ब्लू भी हैं, मैं आपको येलो का बता रही थी, येलो वाले भी हैं। ये तो सिर्फ एक केज है, आपको एक नज़र आ रहा होगा। इस तरह के मेरे पास बेशुमार। अब इनकी ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये हर जो है चिड़िया कह लें, पैरट कह लें, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स कह लें, तो आप हर हर डोली में देखेंगे तो 4, 5, 6, 7 अंडे इनके हैं और कुछ इन्होंने बच्चे जो हैं वो दे दिए हैं, जो आप देख रहे होंगे बाहर निकले हुए होंगे। तो ये देखें ये ग्रीन मेरे पास वाइट, मेरे पास ब्लू, मेरे पास येलो, मेरे पास फ्रेश ब्लू है। तो आप 2-3 पिंजरे और विजिट करेंगे तो आप इतने कलर्स देखेंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतने खूबसूरत कलर्स हैं मेरे पास कि बस यहाँ पर देखकर अल्लाह ताला की शान के कसीदे पढ़ने को दिल चाहता है कि उसकी तारीफ़ करें। और इतने खूबसूरत रंगों वाले इन्होंने अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं और माशाल्लाह हर 20-22 दिन बाद ये अंडे दे देते हैं और अभी वो प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को फूड खिलाना सिखाते हैं कि फिर ये नए सिरे से फिर अंडों पर बैठ जाते हैं। तो आप उनको अगर कोई शौक रखता हो तो सिर्फ एक या दो इनके पेयर ले लें, उसके बाद माशाल्लाह फिर ज़रूरत ही नहीं होगी। इनको प्रॉपर फूड दें, इनको पानी की कमी ना रह दें, इनके साथ एयर कूलर लगाएं, गर्मी शदीद है तो बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं ये, तो ऐसा ना हो कि इनको कुछ हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आसमा मंसूर को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आपको नज़र आ रहे होंगे अभी अभी नया नया बेबी बाहर आया है। अल्लाह हाफिज़, इंजॉय करें मेरी वीडियो। की अमान अल्लाह।